तो हे गाइज, आप सबको स्वागत है मेरे उड़ीसा राइडर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बहुत ऐसी टॉपिक पर ऊपर बात करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक बाइकल के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कर देना। इलेक्ट्रिक बाइकल खरीदने के लिए तो लोगों के पास बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे कि वो पॉल्यूशन नहीं होती इलेक्ट्रिक बाइकल्स के ऊपर। और कुछ लोग होते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइकल अगर आप चलाते हैं स्कूटी या बाइक, तो उस पर आप हेलमेट पहने हो या ना पहने हो उस कोई मतलब चालान नहीं करते हैं। बहुत सारे मतलब अलग होते हैं, आप बिना हेलमेट के भी चला सकते हैं इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटी। ये भी एक पॉइंट है, लोग कि बहुत सारे लोग होते हैं उनको हेलमेट पहनना पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं हो तो उनको पूछना चाहिए। तो पहनना चाहिए हर समय, जब भी आप बाइक या स्कूटी चलाते हो तो आपको हेलमेट पहनना जरूरी है। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइकल के ऊपर लागू नहीं हुए, मतलब आप पहनो या ना पहनो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन और एक रीज़न हो गया कि पेट्रोल, आप देख सकते हैं पेट्रोल का रेट बहुत हाई पे, बहुत ज़्यादा रेट है। अभी करंटली 90 प्लस हो गया है पेट्रोल का प्राइस। तो वो भी एक बहुत बड़ा मतलब रनिंग पॉइंट है कि आपको अगर पेट्रोल प्राइस बहुत ज़्यादा है तो आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हैं, बाइक या स्कूटी। लेकिन बाइक अभी जो स्कूटी बाइक ये सब निकला है वो एवरेज रेंज देती है 100-150 तक की आ चुकी है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग राइड करते हैं, बहुत ज़्यादा 200 किलोमीटर एक दिन में जाते हैं तो आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। लेकिन अगर आप सिटी में ऐसे दिन के 20-30 किलोमीटर जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत अच्छा मतलब को पेट्रोल का रेट भी कुछ मतलब पकड़ को नहीं लगा, सिर्फ कुछ चार्जिंग का कॉस्ट आएगा इलेक्ट्रिक का कॉस्ट, और आपको बहुत एवरेज मतलब रेंज भी दे देगा इलेक्ट्रिक बाइक। वो भी बहुत बड़ा पॉइंट है खरीदने के लिए। अगर आप सिटी में चलाते हो तो आपको बहुत अच्छा फील भी आएगा। और एक कंपनी के बारे में बताऊँगा जो कि इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और बहुत ज़्यादा मतलब हाइप चल रहा है। क्यों, उसको रीज़न क्या है, क्या क्या न्यूज़ है उसके बारे में बताऊँ। तो ओला जो कि अपने ओला कैब वही कंपनी, लेकिन वो इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटी के ऊपर बहुत काम कर रहा है। तो उसका पहले स्कूटी तो आ चुका है, मेरे वीडियो में बताया है, शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं चैनल पर जाके। तो क्योंकि वो अभी एक बहुत बड़ा मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो बना रहे, जो कि बहुत बड़ा है मैंने वर्ल्ड का बहुत बड़ा, जो कि इंडिया में होने वाला शायद। तो उसका भी लॉन्च इस साल भी हो जाएगा। और एक जो कि उनका चार्जिंग नेटवर्क जो कि बोला जाता है वो भी बहुत बड़ा, मतलब सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जो नेटवर्क चार्जिंग नेटवर्क करने वाले, जो कि 1,400 से सिटी से भी ज़्यादा है। ये बारे में मैं बता चुका हूँ, तो आप इस वीडियो इसी तरह की न्यूज़ भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं बाइक रिलेटेड। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है ओला की, जो मतलब अनाउंसमेंट जो भी उसका जो हाइप चल रहा है जो भी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इसके कारण। क्योंकि अगर एक कंपनी बहुत बड़ा नेटवर्क बना रहे तो उसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा चर्चा भी करेंगे। तो मैं बाहर हूँ, आसपास कोई नहीं इसलिए मास्क निकलता, बाइक आ गया। तो इस तरह के बहुत सारे न्यूज़ भी। और ओला का जो प्लांट जो भी है वो इस साल लॉन्च हुआ था, अभी मतलब लॉन्च होने वाला है, तो ऐसे खबर भी आ रही थी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत सारा पॉइंट है। तो आप किस रीज़न से अगर खरीद दो तो किस रीज़न के खरीद दो तो वो भी कमेंट में बता देना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल में बहुत सारे वीडियो है आप जाके देख सकते हैं।